आयशाज किचन वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए घर पर ही बाजार जैसे दही बड़े, जिसमें हमने आपको चटनी भी बनाना सिखाई है। ये दही बड़े घर पर ही इतने जूसी और मज़े के बनकर तैयार होते हैं कि आप एक बार इसे खाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होते हैं। आप पता ही नहीं लगा सकते कि आपने ये घर पर ही बनाए हैं या आप बाहर से बाजार से लेकर आए हैं। तो आइए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया है आधा किलो दाल को, जिसको हमने रात भर भिगोने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो 6 से 7 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। इसमें डालना है हमें थोड़ा सा सोडा, आधा चम्मच सोडा लिया होगा हमने। यहाँ पर थोड़ी सी चिरौंजी ली है जो हम पीसने के बाद इसमें डालेंगे अंदर, जिससे इसकी खूबसूरती और अच्छी लगेगी। थोड़े से मसाले लिए हमने, जिसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे, जो हमारे भल्लों के ऊपर पाउडर बन के काम आएगा हमें डालने के लिए। थोड़ा सा धनिया लिया है हमने, 1 चम्मच ही धनिया होगा। 1 चम्मच जीरा लिया है और 15 से 20 ली है हमने काली मिर्च। अब आ जाते हैं अपनी सौंठ की तरफ। हमने लिए है यहाँ 1 कटोरी चीनी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच होगी ये, 5 मगज लिए हैं हमने चटनी में डालने के लिए, थोड़ा सा फ्रूट कलर लिया है, बस थोड़ा सा ही फ्रूट कलर लिया है हमने, और यहाँ पर लिए 250 ग्राम इमली, जो हमने यहाँ पर सूखी इमली ली थी उसे रात भर भिगोकर हमने ऐसे छान लिया है छन्नी की मदद से। अब आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जार लेंगे, थोड़ी थोड़ी अपनी दाल डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। दरदरा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें इसके बल्ले तैयार करने हैं। थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट बना के दिखाते हैं आपको। दाल का पेस्ट बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे ऐसा पीस लिया है, ये देखिए ऐसा। आप भी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही पीसे, अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो आपकी दाल बहुत ज़्यादा पतली हो सकती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, 1 चम्मच नमक लिया है हमने यहाँ पे, सोडा, चिरौंजी। हमने चिरौंजी को पहले धो लिया है अच्छे से, उसके बाद इसमें मिक्स करेंगे। अब हमें इसे हाथ से फेंटते हुए दिखाना है। हम जितना इसे हाथ से फेंटेंगे इतना ये फ्लफी बनेगा। इसे फेंटते जाना है अच्छे से, मिक्स करते जाना है ऐसे ऐसे करके, बहुत अच्छे से करना है हमें इसे। ये जितना ये फ्लफी होगा उतनी ही अच्छी इंशाल्लाह हमारे भल्ले बनके तैयार होंगे। फेटते फेटते 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए, ये देखिए। अब ये हमारा रेडी है, हम इसे साइड करते हैं। अब एक पैन लेते हैं, उसमें अपनी चटनी को हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। सारा मिक्सचर डाल देंगे, अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें बॉईल आता है। अब इतने हम दूसरा पैन लेंगे, उसके ऊपर अपने मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हम आपको बताना भूल गए थे, हमने यहाँ 1 चम्मच सौंफ भी लिया है। इन चारों मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है और इन्हें दरदरा पीस लेना है। न ज्यादा पतला पीसना है हमें, न ज़्यादा बारीक पीसना है और न ज़्यादा वैसा पीसना है, थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेना। उबाल आना शुरू हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे इस स्टेज पर चीनी। चलाएंगे इसे अच्छे से, फिर पकने देंगे इसे। इतने हमारी चीनी पकती है, हम एक कढ़ाई में तेल गरम होने रख देंगे, जिसमें हम अपनी पकौड़ियों को फ्राई करना शुरू करेंगे। गरम हो चुका है, हमने इसमें पहले थोड़ी सी छोटी सी डाल के चेक की है, अब इसमें डालना शुरू करेंगे। डालते जाएंगे जिस भी साइज के आप को रखने हैं।
चूल्हों को चला लिया है। आप देख सकते हैं इसकी साइड चेंज कर दी है। हमें इसे स्लो आंच पे ही पकाना है, नहीं तो हमारे भल्ले अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब इतने अपनी चटनी को देख लेते हैं। हमारी चटनी पक चुकी है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू कर दिया है। अब इसमें डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, ऑरेंज फ्रूट फूड कलर। अब इसे मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे अच्छे से। कलर बदलना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। बस हमें ये ऐसे ही चाहिए। अब इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब ये ऐसे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी क्रंची होने की आवाज आ रही है। अब देखते हैं अपनी चटनी। हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसमें मिला देंगे अपने पांचों मगज। आप अगर इस टाइम फ्रूट्स या और कुछ भी चीज़ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे इसे। अब इसमें थोड़े से चॉप हुए हुए डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स, बस ऐसे ही गार्निशिंग के लिए। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ना डालना चाहें। आप देख सकते हैं हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, इस कंसिस्टेंसी की बनी है, ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब दिखाते हैं आपको आगे। पानी ले लिया है, इसमें हम एक चम्मच के करीब नमक डालेंगे। अब अपने भल्ले भिगोने के लिए छोड़ देंगे, चलाएंगे इसे थोड़ा सा। अब इसमें भल्ले भिगोना शुरू करेंगे। भीगता हुआ इसे छोड़ देंगे, फिर इसको दिखाते हैं आगे बना के आपको। हमारे भल्लों को भीगे हुए कम से कम आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये अपने साइज से डबल हो चुके हैं, इन्होंने अपना कलर भी चेंज कर दिया है और ये डबल हो चुके हैं। अब हम अपनी चटनी दिखाते हैं। हमारी चटनी भी यहाँ तैयार है, हमने इसे एक कंटेनर में रख लिया है ताकि ये ऐसे हम यूं ही फ्रिज में रख सकें। हमने यहाँ ली है, अब दही बड़े बनाने के लिए दही ली है। हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर, अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। जो मसाले हमने आपको दिखाए थे उन्हें दरदरा पीस लिया है इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा लिया है हमने फ्रूट चाट मसाला। अब आपको जिस चीज में भी अपने भल्लों को सर्व करना है, आप अपने भल्लों को ऐसे उठाएंगे, हथेली के बीच में ऐसे प्रेस करेंगे और सारा पानी निचोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से निचोड़ते जाएंगे हम और अपने भल्ले रखते जाएंगे जिसमें हमें सर्व करने हैं। भल्ले ऐसे निचोड़ के रख लिए हैं। अब हम इसे ऐसे हल्का हल्का खोल देंगे ताकि जब हम इसमें दही डालें तो अंदर तक हमारे भल्लों में दही जा सके और ये जूसी बने। बस हल्का हल्का ही करना है, कभी सारा हम तोड़ दें। अब हमने यहाँ लिए 300 ग्राम दही, जो हम इस पे डालना शुरू करेंगे। अच्छे से डाल देंगे सारी दही। फैलाते हुए डालेंगे ताकि सारे भल्ले कवर हो जाएं हमारे। इस पे अपने मसाले स्प्रिंकल करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। आप कम या ज़्यादा खाते हैं तो कम कम भी डाल सकते हैं। पहले हमने रोस्ट हुए हुए मसाले डाले हैं अपने। अब इस पे डालेंगे फ्रूट चाट मसाला, थोड़ा सा ही डालेंगे। अब इस पे डालेंगे सौंठ। सौंठ भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं। हमें ये थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है इसलिए हम ज़्यादा ही डालेंगे। तैयार है हमारे दही बड़ों को फाइनल लुक। ये दिखने में जितने मज़ेदार लगते हैं खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। आप जब अपने मेहमानों के आगे बनाएंगे तो कोई कह नहीं सकता कि आपने ये बाज़ार से लिए हैं।
या आपने घर में ही बनाए हैं। और अब जो हमारे बचे हुए दही बड़े हैं जो हमने फ्राई करके रख लिए थे, उसे एक फूड सेवर में हम एक हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से हम अपने सारे दही बड़े डाल देंगे और इस तरीके से एक हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना इसमें स्मेल आएगी ना कुछ भी होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है और हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।